मुल्क में कोरोना वैक्सीन के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र और बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। ज्यादा उम्र वाले अफराद को बजरिया SMS मुतला किया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब में 1.5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 से ज्यादा बुजुर्ग अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक जिला और तहसील की सतह पर 104 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक विफाकी हुकूमत से उन्हें 56,000 वैक्सीन मिली हैं। पहली तरजीह में 80 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएंगी। वैक्सीन लगाने के बाद बुजुर्ग शहरियों को 30 मिनट तक मराकज में ही रखा जाएगा और उनकी सेहत से मुतालिक इंदराज किया जाएगा। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 60 साल से ज़ायद शहरियों को SMS के जरिए पैगाम दिया जा रहा है, जिसके बाद बुजुर्ग शहरी मुतालिका सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वाज़े रहे, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की रजिस्टर्ड तादाद 5,95,239 है, जबकि 13,324 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।